और सीधी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देंगे। तो एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जेडी से आज की सबसे बड़ी खबर। जेडी रीजन में 272 दई गांव शामिल करने की है कवायद। जेडी रीजन को 1000 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की कवायद। 3000 वर्ग किलोमीटर से 4000 वर्ग किलोमीटर होगा जेडी रीजन। दूदू जिले की 3 तहसीलों के 40 गांव शामिल करना प्रस्तावित है। जयपुर ग्रामीण जिले की 10 तहसीलों के 229 गांव के जाने हैं शामिल। शाहपुरा नगर पालिका, जोबनेर नगर पालिका और चाकसू नगर पालिका का नगरीय क्षेत्र भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है। जेडीए की ओर से जल्द प्रस्ताव फाइनल किया जाएगा। प्रस्ताव फाइनल करने को लेकर जेडीए आयुक्त जल्द बैठक लेंगे। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी कह रही है कि गांव को शामिल करने की कवायद, जेडीए विकास की दृष्टि से भी अब कंधों पर नए गांव शामिल करने की कवायद से अतिरिक्त कार्य तो होगा लेकिन डेवलपमेंट भी हो पाएगा। बताइएगा कवायद कैसे की जा रही है, कब तक प्रस्ताव फाइनल होगा? बिल्कुल शिखा, ये जेडी की तरफ से नई कवायद है क्योंकि जेडी का जो मौजूदा मास्टर प्लान है वो वर्ष 2025 तक के लिए ही लागू है और ये संभावना है कि उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाए क्योंकि जो नया मास्टर प्लान बनाया जाना है उसमें टेंडर प्रक्रिया रुकने के कारण, 2 बार टेंडर निरस्त होने के कारण वो नहीं हो पा रही है, लेकिन नया मास्टर प्लान बनाया जाना है। उस नए मास्टर प्लान का जो रीजन शामिल होगा उसमें जेडी की कवायद है कि इसको बढ़ाया जाए क्योंकि अभी जेडी रीजन 3000 वर्ग किलोमीटर है, इसको बढ़ा के 4000 वर्ग किलोमीटर किया जाना है। तो ये जो 1000 वर्ग किलोमीटर सभी दिशाओं में बढ़ेगा तो उसके लिहाज से 272 गांव है वो शामिल किए जाने का प्रस्तावित, और ये जो 272 गांव है इनमें जयपुर ग्रामीण जिले की अगर हम बात करें तो उसके 10 तहसीलों के 229 गांव है। सबसे ज्यादा जो गांव शामिल किए जाएंगे वो जयपुर ग्रामीण जिले के किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूदू जिला है उसके 3 तहसीलों के 40 गांव शामिल किया जाना प्रस्तावित है। शाहपुरा नगर पालिका, चाकसू नगर पालिका और जोबनेर नगर पालिका का जो नगरीय क्षेत्र है जो कि नगर पालिका सीमा के बाहर का जो क्षेत्र है जिसे नगरीय क्षेत्र कहते हैं वो भी जेडीए में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। ये जो पूरा नया इलाका शिखा शामिल होगा तो इससे इन गांव में नियोजित विकास संभव हो सकेगा, साथ ही भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वहां पर जो सुविधाओं के लिए, जो जन सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षित रखी जाए जा सकेगी। इसके अलावा जो सड़कों का अलाइनमेंट है वो तय किया जा सकेगा, पार्क कहाँ बनना है ये तय किया जा सकेगा, क्योंकि जब ये मास्टर प्लान के दायरे में आ जाएंगे तो इस पूरे जेडीए रीजन का जो नया मास्टर प्लान होगा जिसमें ये गांव भी शामिल होंगे तो उसके अनुसार उस पूरे मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित होगा, कहाँ पर किस गाँव में किस भूमि पर किस आवश्यकता के लिए क्या लैंड यूज होना चाहिए। तो एक तरह से एक प्लान डेवलपमेंट की ये कवायद है। इससे पहले वर्ष 2005 में जेडीए का रीजन बढ़ाया गया था, तब 247 गांव शामिल किए गए थे और अब 272 गांव शामिल करने की कवायद है। जीडीसी जो आनंदी है उनकी अध्यक्षता में जल्द ही बैठक होगी और उस बैठक में इस प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा और मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पर इसको स्वीकृति देने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो ये नए 272 गांव है ये जेडीए रीजन में शामिल हो जाएंगे और जेडीए का जो रीजन का जो इलाका है वो 3000 वर्ग किलोमीटर से 4000 वर्ग किलोमीटर करीब हो जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और दया प्लास्टर मास्टर प्लान के साथ नई उम्मीद भी बढ़ी है और जब वर्ग किलोमीटर को बढ़ाया गया ऐसे में विकास की नई कहानी भी लिखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।